દાહોદમાં ટ્રેન ઉપર પથ્થરમારો કરી નુકસાન કરતા તત્વો સામે રેલવે પોલીસે ગાંધીગીરી અપનાવી છે. દાહોદ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલો જિલ્લો છે અને અહીંના ગામડાઓમાં રેલવે પસાર થાય છે ત્યારે ઘણીવાર પથ્થરો ફેંકવામાં આવતા હોય છે, તેમજ રેલવે ટ્રેક ઉપર કંઈક મૂકી દેવામાં આવતું હોય છે જેના કારણે ટ્રેકના કાચ તૂટી જવા સહિતનું નુકસાન થતું હોય છે. ત્યારે રેલવે પોલીસ દ્વારા એક અનોખું અભિયાન હાથ ધરાયું છે. દોસ્તીના બેનર હેઠળ જાગૃતતા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્થાનિકો સાથે દોસ્તીનો હાથ લંબાવી રેલવે પોલીસના કર્મીઓ દ્વારા આનાસથી લઈને કાસુડી સુધીના 96 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં રેલવે લાઇન નજીકના ગામોમાં જઈને સ્થાનિકોને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए समय समय पर बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन या प्रोग्राम चलाए जाते हैं. इसी के तहत हमको मंडल कार्यालय से और चर्चगेट मुख्यालय से समय समय पर निर्देश मिलते रहते हैं. श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त कुमार निशांत साहब ने अभी निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध करा सकें. इसी के क्रम में हमारा रेलवे सुरक्षा बल हेल्पलाइन 182 का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. अभी आप देख रहे हैं कि दाहोद रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे यात्री हैं, इनको हमने समझाया, इस संबंध में बताया कि आपको अगर सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप 182 डायल करें और आपको तुरंत RPF द्वारा सहयोग और सहायता दी जाएगी. पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि जब सवारी गाड़ी जाती है रनिंग ट्रेन में, कई बार बच्चों द्वारा या किसी अन्य द्वारा जाने अनजाने में गाड़ी पे पत्थर मार दिया जाता है और पत्थर लगने से सवारी गाड़ी का शीशा टूट जाता है या मालगाड़ी के इंजन पे लग जाता है या किसी पैसेंजर को चोट पहुंच जाती है. तो इस संबंध भी हम एक प्रोग्राम अभी चला रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम. रेलवे ट्रैक के आसपास के गाँव में जाके हम वाहन लेके और काफ़ी बल सदस्य और अधिकारी स्टाफ सब साथ में जाके वहाँ लोकल जो गांव में उनके सरपंच वगैरह को इकट्ठा करके, गांव वालों को इकट्ठा करके इस संबंध में उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को समझें, रेलवे एक सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाए और साथ में किसी भी पैसेंजर या यात्री को किसी को चोट ना पहुँचे, इस संबंध में उनको काफ़ी जागरूक किया जा रहा है और इसका हमको अच्छा परिणाम भी मिल रहा है कि आसपास के लोग इस चीज़ को अभी हमसे जुड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को. और अभी लगातार हमारे द्वारा इसका कंटिन्यू हम कल भी इधर धामरडा बॉडी साइड में गए थे और आज हम इधर आगे भी हम गोधरा साइड में प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं कि पत्थर ना फेंके वो ट्रेन के ऊपर या ट्रेन या पटरी के ऊपर कुछ भी इस तरह का कोई वस्तु ना रखे जिससे कि कोई एक्सीडेंट होने की संभावना हो. ये देखने में आया प्राय कि बच्चे जाने अनजाने में बच्चे भी फेंक देते हैं कई बार, या पशु चरवाहे इत्यादि जो होते हैं वो भी अपने पशु को पटरी वगैरह से भगाने के लिए पत्थर मार देते हैं. तो हमारे भरसक प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान कर सकें. जय हिंद.